महाराज कृष्णदेव राय की महाराज कृष्णदेव राय की महाराज कृष्णदेव राय की जय महाराज कृष्णदेव राय की महाराज आज के दरबार की कार्रवाई शुरू करने क्षमा कीजिएगा महाराज इससे पहले कि दरबार की कार्यवाही प्रारंभ हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं अवश्य आचार्य कहिए क्या कहना चाहते हैं आप यदि महाराज को स्मरण हो तो महाराज ने हमें अपनी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा पूर्ति के लिए कोई उपाय निकालने के लिए कहा था जिससे मरणोपरांत भी उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो सके जी जी आचार्य याद है तो कोई उपाय निकाल पाए आप हमारी दुविधा का जी हाँ महाराज के माता जी की अंतिम इच्छा हम कुछ समझे नहीं महाराज हम बताते हैं मंत्रीवर बात यह है कि महाराज ने हमें बताया था कि उनकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा थी कि वो रत्नागिरी के आमों का स्वाद चखे किंतु उनकी अंतिम इच्छा पूरी होने से पहले स्वास्थ्य समस्या के कारण उनका स्वर्गवास हो गया और उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई तो महाराज इस दुविधा में थे कि कैसे उनकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा पूरी की जाए ताकि वो अपने पुत्र होने के कर्तव्य के ऋण से मुक्ति पा सके क्षमा कीजिए आचार्य परंतु ये कैसे संभव है स्वर्गीय राजमाता रत्नागिरी के आम खाने के लिए जीवित तो नहीं मृत्यु मनुष्य की होती है मंत्रीवर कर्तव्य की नहीं तुलुआकुल के वंश अपने प्राण दे सकते हैं परंतु अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते वैसे भी शास्त्रों के अनुसार यदि किसी मृत व्यक्ति की अंतिम इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती महाबली सम्राट अपनी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा पूरी करके वर्षों से मोक्ष के लिए भटकती उनकी आत्मा के लिए मोक्ष की राह प्रशस्त कर रहे हैं इसके लिए हमें उनकी कर्तव्य प्रायणता का सम्मान और प्रशंसा दोनों करनी चाहिए आप सही कह रहे हैं आचार्य परंतु हमारा प्रश्न अभी वही है कि यह कैसे संभव है सुधारने के पश्चात स्वर्गीय महारानी जी की आम खाने की अंतिम इच्छा कैसे पूरी हो सकती है हो सकती है अवश्य पूरी हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है? हमने तो रास्ता भी निकाल लिया है अपने ध्यान तपस्या और तंत्र साधना की शक्तियों से अंततः हमने परलोक से संपर्क साध ही लिया और जान ही लिया कि कैसे स्वर्गीय महारानी की अंतिम इच्छा पूरी की जा सकती है तो बताइए आचार्य कैसे पूरी हो सकती है हमारी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा बहुत सरल उपाय है महाराज आप अपनी स्वर्गीय माता जी की पुण्य आत्मा के नाम पर यहाँ पंडितों एक एक सोने का हम बांट दीजिए आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा स्वयं पूरी हो जाएगी क्योंकि पंडितों द्वारा ग्रहण प्रसाद का फल सीधा देवताओं को जाता है उपाय अद्भुत है आचार्य वर पंडितों को भोग लगाना अर्थात देवताओं को प्रसन्न करना और देवताओं को प्रसन्न करना अर्थात सभी ऋणों से मुक्ति पाना अब आपका ये उपाय सहर्ष स्वीकार है आचार्य वर हम आज ही सोने के आम बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज हमें पूर्ण विश्वास था कि आप हमारे इस उपाय को अवश्य स्वीकार करेंगे इसलिए हमने क्षमा कीजिएगा आपकी अनुमति के बिना कोषाध्यक्ष को कहकर सोने के आम बनवा लिए
सब क्या हो रहा है बंधु? रोकना होगा इस अंधेर को। कुछ नहीं करेगा तू रामा, कोई आवश्यकता नहीं है बीच में टांग अड़ाने की। अरे यहाँ लूट मची है और तू मुझे चुप बैठने को कह रहा है? ना ना, मैं चुप नहीं बैठूंगा, एक काम तो मुझे भी मिलना ही चाहिए। रामा तू भी? हाँ बंधु, मैं भी। महाराज, अपने हाथ से इन सोने के आमों को स्पर्श कीजिए। अब अपने सच्चे हृदय से अपनी स्वर्गीय माता जी का स्मरण करके इन आमों को पंडितों और ब्राह्मणों में बंटवाने का आदेश दीजिए। अपना बहुत बड़ा चालू है। बस मनी, तू ये प्रार्थना कर कि ये सोने के आम लेकर निकलने से पहले यहाँ कोई गड़बड़ ना हो। ओहो, आप भी यहाँ खड़े हैं? आपके विदूषक महोदय भी यहाँ पंक्ति में खड़े हैं। पंडित रामकृष्ण, आप वहां क्या कर रहे हैं? अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ महाराज। गोत्र धर्म के अनुसार मैं भी एक पंडित हूँ, तो उस नाते सोने के एक काम पर मेरा भी अधिकार बनता है। बस वही लेने खड़ा था। खड़े नहीं थे, छुपे खड़े हैं ताकि इनाम भी मिल जाए और किसको पता भी न चले कि हमारे ये विदूषक महोदय कितने बड़े अवसरवादी हैं, लालची। महाराज, एक सोने का आम पाने के लिए अपना पद खाली छोड़कर यहाँ पंडितों के बीच में अपना अधिकार पाने के लिए खड़े, ये तो लालच की पराकाष्ठा हो गई। ये सब क्या है रामकृष्ण? हम आपको जो वेतन देते हैं, पुरस्कार देते हैं, जो धन देते हैं, वो पर्याप्त नहीं है क्या? पर्याप्त है महाराज, पर्याप्त से भी अधिक गुना ही होगा। परंतु क्या, मुफ्त का माल किसे अच्छा नहीं लगता महाराज। और फिर लुटेरों की नगरी में लूट कोई अपराध तो नहीं है? यहाँ सोने के आम बट रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। रामकृष्ण, होश में तो है आप? जानते भी है क्या कह रहे हैं? महाराज जी, अपमान है हमारा, आपकी स्वर्गीय माता जी, आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा, आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा के मोक्ष साधन को बहती गंगा कह रहे हैं कि हमें लुटेरे और आपके शासन को लुटेरों की नगरी कह रहे हैं महाराज। हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं महाराज, नहीं। आचार्य, आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। आचार्य, मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। बस पंडित रामकृष्ण, लगता है आप अपनी सीमा भूल बैठे हैं। हम सब कुछ सह सकते हैं किंतु हमारे सामने किसी साधु पुरुष का अपमान नहीं सह सकते हैं। और वैसे भी ये हमारा निजी मामला है और हमारे निजी मामले में हस्ताक्षेप करने का अधिकार हमने आपको नहीं दिया है। रामकृष्ण, हमारे स्नेह, हमारी उदारता को कदाचित आप कुछ और समझ बैठे हैं। निकल जाइए यहां से, अभी इसी समय जाइए और आज के बाद अपना यह चेहरा हमें मत दिखाइएगा। Thank you.
किया तूने रामा, फिर सब बिगाड़ कर रख दिया, सीधे महाराज से उलझ गया। मैंने तो वही कहा ना जो सत्य था। अरे ढंग होता है हर बात कहने का रामा। हाँ ठीक है ना, हो गई भूल, अब क्या फांसी पर चढ़ाएगा? फांसी तो तुझे लग कर रहेगी रामा, अम्मा के हाथों। से तू मित्र है या शत्रु? चुप बैठ थोड़ी देर। अरे आप आ गए। हाँ वो उठा लो। क्या उठा लूं? पानी का लोटा उठा लो, उठा के हाथ मुंह धो लो, मैं अभी कपड़ा लेकर आती हूँ। शारदा का व्यवहार तो सामान्य लग रहा है, लगता नहीं कि दरबार की बात अभी यहाँ पहुंची है। उठा लो। क्या उठा लो? जल की शपथ उठा लो कि जो मैं पूछूंगी उसका सच सच जवाब दोगे। क्या आपको दरबार से निष्कासित कर दिया गया है? सच सच जवाब दीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम्हें कैसे मतलब? नगर के लोग जो कह रहे हैं सब सच है। उठा लो। क्या उठा लो? अरे अपनी धोती उठा लो, भागने में आसानी होगी। भागने में क्यों? अरे पीछे देखो, अम्मा खड़ी है। अमन नहीं। अच्छा अच्छा मेरी बात तो सुनो अमन। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? बताओ तो सही, क्या कह रही है? पता था है नहीं कि आप एक जगह पर टिककर रहने वाले जीव ही नहीं हो, ये तो होना ही था। हाँ। परिवार की सुख शांति देखी नहीं जाती ना आपसे। अमन लग जाएगी। इतनी मुसीबतों के बाद भगवान की कृपा से ये घर मिला, एक आसरा मिला, इतने बड़े महाराज का आशीर्वाद मिला, पर सब गवा दिया आपने। क्या जरूरत है महाराज और उनकी स्वर्गीय माता जी के बीच में आने की? ये अच्छा है, मैं क्यों नहीं आऊं महाराज और उनके स्वर्गीय माताजी के बीच, जबकि मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि महाराज को भगा जा रहा है उनके माताजी के नाम पर, सोने के यहाँ बैठे जा रहे हैं। अम्मा क्या कह रही है? उठा लो। ये कह रही है? नहीं, हम कह रहे हैं पीछे बड़ा पटरा उठा लो, लाठी से बचने के काम आएगा। ये तो ये कह रहा है कि महाराज है वो सोने के आम दे या सोने के अंडे, तुम्हें उसके बीच में बोलने की क्या जरूरत है? महाराज क्यों देने लगे अंडे? महाराज है मुर्गा। पहली बात, अंडा मुर्गा नहीं, मुर्गी देती है। और दूसरी बात, लज्जा नहीं आती पंडितों के पूजा पाठ वाले परिवार में अंडे की बात करते हुए? वाह वाह, तो अम्मा का अंडा कौन सा शाकाहारी था जो सबसे पहले ये बीच में लेकर आई? उठा लो। देखो अपनी बात बाद में करना, पहले बताओ अम्मा क्या कह रही है? अरे यही कह रही है, अपने कपड़े लत्ते उठाओ और निकलो इस घर से, इन्हें तुम जैसा मूर्ख वाचाल और बड़बोला बेटा नहीं चाहिए जो महाराज के सामने अपनी बात तक नहीं कह पाए। अम्मा चेतावनी दे रही है, जो भी तुमने बिगाड़ा है उसे ठीक नहीं कर देते, जो भी गलत है उसे सही नहीं कर देते, तब तक अम्मा बिना पल के झपकाए बिना खाए पिए इस जगह पर धरना देकर बैठ रही है। तुम भी? नहीं, वो तो हम बस थक गए थे इसलिए बैठ गए। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? इतना शर्मा करती है? हाँ तमत्या, ला मैंने फिर से कोई गुल चिल्लाया उतारा है ना लामा? चल भाग 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 भाग। काश एक सोने का और मिल जाता तो ये आम सा जीवन कितना खास हो जाता। मैंने तो दोबारा कतार में लगकर अपना ये आम सा जीवन कब का खास बना लिया प्यारे। ये देख किधर है मकारिये? अच्छा वो कपटी बुड्ढा जो महाराज के साथ कर रहा है वो पुण्य हो गया और ये धोखाधड़ी हो गई, मकारी हो गई है? हाँ बात तो बिल्कुल सही है, जैसे गुरु वैसे चेले।
ऐसा नहीं कहते धनी, हमारे गुरुजी हैं वो। कितने महान, कितने ज्ञानी, कितने बड़े महापुरुष हैं हमारे गुरुजी। काहे का महापुरुष, वो कौवे की चोंच। उस कपटी कुटिल कुबे बुड्ढे में महापुरुष कहाँ से नजर आ गया तुझे? बस कर मेरे भाई, कितने भी बुरे नहीं है हमारे गुरुजी। बुरे? अरे छुरे छुरे घोपने का मन करता है पेट में, ये छुरा अंदर और ये हवा बाहर। कर मेरे भाई बस कर, ज्यादा बेइज्जती मत कर अपने गुरुजी की। अरे मनी, वो तो धन की लालच में जेल रहा हूँ मैं, वो नकब का उस कपटी बुड्ढे के पैर पकड़ कर यूं घुमाता यूं घुमाता यूं। आशीर्वाद लेता और कहता कि गुरुजी अपने हाथ सदैव हमारे सर पे रखना, सदैव हमें अपने चरण में रखना। ए गुरु जी, वे गुरु प्रभु परमेश्वर परमात्मा, हमें सदैव रखना। अवश्य अवश्य, हम अभी आशीर्वाद देते हैं अपने प्रिय शिष्यों को, दोनों को आशीर्वाद दें। हमारा आशीर्वाद। चम्मा गुरुजी, चम्मा गुरुजी। हम है कौन है? वो कोवे की चोंच, आस्तीनों के साथ। ये गुरुजी, हाँ, पीठ पीछे कोसते हो, अब पकड़े गए तो क्षमा मांगते हो। सोने के आम मांग रहे गुरुजी, हमें हमारे सोने के आम दे दीजिए। छोटे लोग, छोटी सोच। समंदर की लहरों में मिली सीप से संतुष्ट हो जाने वाले लोगों को समंदर की गहराई में मोती नहीं मिला करते, उसके लिए अथाह गहराई में गोता लगाना पड़ता है। सोचो, सोचो, यदि राजा एक आम दे सकता है तो दो दो क्यों नहीं, चार चार क्यों नहीं, आठ आठ क्यों नहीं, एक एक दर्जन क्यों नहीं। अर्थात गुरुजी? अर्थात सभी पंडितों से कहो कि अपने हिस्से का आम लेकर कल दरबार में आ जाए। हम राजा से कहकर उन्हें एक एक आम की जगह एक एक दर्जन आम दिलवाएंगे। सब एक झटके में माला माल हो जाएंगे। जय हो गुरुजी की, जय हो। लेकिन उसमें से आधा हिस्सा हमारा होगा। सत्यानाश इस पट्टे का। क्या कहा है? समय हमारे अनुकूल चल रहा है मेरे प्रिय शिष्यों। दुष्ट ग्रहों के बादल चढ़ चुके हैं। इधर हम राजा को भावना के जाल में फंसाकर सोने के आम ऐंठ रहे, और उधर उस दुष्ट पंडित रामाकृष्णा को अपमानित करके दरबार से बाहर निकलवा दिया हमने। बेचारा पंडित, उसकी तो रातों की नींद उड़ गई होगी। पंडित रामकृष्णा, हमारे स्नेह हमारी उदारता को कदाचित आप कुछ और समझ बैठे। निकल जाइए यहां से, अभी इसी समय जाइए, और आज के बाद अपना ये चेहरा हमें मत दिखाइएगा।
रूम है। अम्मा ने घर के प्रवेश द्वार पर प्रवेश निषेध का आदेश चिपका दिया है, तो कैसे भीतर आता? तो फिर आए क्यों? आए क्यों? ये कैसा प्रश्न है शारदा? उधर महाराज ने दरबार से निकाल दिया, इधर अम्मा ने घर से निकाल दिया, अब तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा तो और कहां जाऊंगा? वैसे भी बाकी बातें अपनी जगह और हमारी पहली मिलन की रात्रि का मुहूर्त अपनी जगह। पहले तो आपके घर में यूं चोरों की तरह घुसने के लिए हम खेद प्रकट करते हैं। क्या करें, हम ठहरे महामंत्री और आपको दरबार से निष्कासित कर दिया गया है। तो दिन में यूं साधारण तरीके से भेंट करना संभव नहीं था, इसलिए हमने। कोई बात नहीं मंत्री महोदय, ये भी तो आप ही का घर है, परंतु मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपको यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाना पड़ा। आप अच्छी तरह से जानते हैं रामाकृष्णा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। आज दरबार में जो कुछ हुआ वो आपसे छिपा नहीं है। आज सोने के आम बांटे जा रहे हैं रामकृष्ण, कल सोने के घोड़े, सोने के ऊंट और यहां तक के सोने के हाथी तक बांटे जाएंगे, और इस तरह हमारे राज्य का राजकोष खाली हो जाएगा। इस कुरीति को रोकना होगा रामा तुम्हें, इस प्रपंच पर अंकुश लगाना होगा। क्षमा करें मान्यवर, परंतु मैं तो केवल एक विदूषक हूं, और अब तो निष्कासित विदूषक, मैं भला क्या कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं रामकृष्ण, और केवल आप ही कर सकते हैं। आपके बुद्धि कौशल का अनूठा अनुभव है हमें, कोई सीमा, कोई दंड, कोई बंदिश आपको रोक नहीं सकती रामा।
ये आप ही को करना है रामकृष्ण, महाराज के लिए, इस राज्य के लिए, सत्य की जीत के लिए। और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। नहीं जानता कि आपके इस विश्वास की कसौटी पर मैं कितना खरा उतरूंगा, परंतु महाराज के लिए, इस राज्य के लिए और सत्य की जीत के लिए मैं प्रयास अवश्य करूंगा। संभवतः यही वो लक्ष्य है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। देखते हैं क्या किया जा सकता है। बधाई हो गुरुजी, आपके बैठने का मुहूर्त आ गया है। जी प्रभु, आज हमारा प्रण पूरा हुआ। प्रभु, आपसे मिलने कोई रामकृष्ण आए हैं, बाहर ही खड़े हैं। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आपसे क्यों मिलने आए हैं? आया होगा अपनी पुनः नियुक्ति की याचिका लेकर। वो जानता है ना, हम महाराज से कहेंगे तो महाराज इनकार नहीं करेंगे। लगता तो नहीं है सर, आप जैसे कैसे हो सकते हैं? सब कहने का अर्थ है आप जैसे महान कैसे हो सकते हैं गुरुजी? तो उनसे हम क्या कह दें स्वामी, वो बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। करने दो प्रतीक्षा, करने दो। धनी मणि, जाओ जाकर उसे कह दो कि ये तथाचार्य के सोने का समय, राजगुरु सो रहे हैं। कहिए क्या काम है? आपके गुरुजी से मिलना था बंधुवर। नहीं मिल सकते हमारे गुरुजी आपसे। हमारे गुरुजी ने कहा है कि हम आपसे कह दें कि वो सो रहे हैं। मतलब सोने से पहले कहा था कि सोने जा रहे हैं। अब तक तो सो भी चुके होंगे वो। मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं, बड़ी निराशा हुई जानकर कि राजगुरु तथाचार्य से भेंट नहीं हो पाएगी। क्यों, निराश होते हो तो मुस्कुराते हो? नहीं नहीं, असल में राजगुरु तथाचार्य को निमंत्रण देना था। कल मेरे स्वर्गीय पिताश्री की पुण्यतिथि है तो पंडितों को भोजन कराना था। अब महान राजगुरु तथाचार्य से बड़ा पंडित और कौन हो सकता है? तो सोचा था कि यदि वो मेरे निवास स्थान आकर भोजन ग्रहण कर लेते तो बड़े सौभाग्य की बात होती मेरे लिए। गुरुजी अवश्य पधारते, पर क्या करें, सो रहे हैं। कोई बात नहीं बंधुवर, परंतु दुख तो इस बात का है कि ये सोच कर कि राजगुरु मेरे निवास स्थान आएंगे, मैंने उनके लिए न जाने कितने सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनवा लिए थे। जैसे पायसम, शुद्ध देसी घी का बना गाजर का हलवा, पेसरट्टू, बैंगन का चटपटा भरता, पूरी, भाजी, बूंदी मिठाई, काजू का बना पोथरो कुल्लू, बादाम वाली खीर, मधुगुला हलवा और भी न जाने क्या क्या स्वादिष्ट व्यंजन एकदम। परंतु लाभ क्या इन बातों का, राजगुरु तथाचार्य तो आएंगे ही नहीं। आएंगे, जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तुझे नहीं जा पाएंगे, माथा पीटो फिर भी नहीं जा पाएंगे, सर फोड़ो अपना फिर भी नहीं जा पाएंगे, आवश्यक काम है गुरुजी को। अच्छा वो सब तो ठीक है, दुर्भाग्य मेरा, परंतु आप दोनों तो आ ही सकते हैं। गुरु ना सही, शिष्य ही सही। अभी चले? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कल, पुण्यतिथि तो कल है ना। आ गए, सबने पहुंच के बैठ गए। बस बस बस, समझ गया, अब आज्ञा दीजिए बंधुवर, आज्ञा दीजिए। हमारी प्रतीक्षा करना आप। क्या लगता है रामा, आएगा ये तथाचार्य? आना तो चाहिए बंधु, केवल इसी के लिए तो कल की इतनी सारी तैयारियां की हैं। कल के भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि तो यही हैं।
देखते हैं आते हैं या नहीं। भोजन है यहाँ वो हमारा कपटी बुड्ढा, अरे भाग्य ही खराब है उसका, इस समय यहाँ पर आ गया होता तो हमारे साथ बैठ कर इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा होता। अकड़न लोगों के साथ ऐसे ही होता है, अकड़ अकड़ में अकड़े रह जाते और हाथ में कुछ नहीं लगता। हमारा बुड्ढा हमारे साथ होता तो मजे मार रहा होता। भाई कोई भरोसा नहीं है उसका, क्या पता यहीं पे आ गया हो किसी को बिना बताए और यहीं के आस पास चादर कम्बल ओढ़े बैठा हो। अरे मना तो कर रहा है, हमारा बुढ़ऊ नहीं है भुक्खड़ वाला। ए बंधू, कुछ देखा रामा? देखा तो सही। तथाचार्य वो क्या कोने में कंबल ओढ़ कर बैठे हैं? तुझे पता है? अरे जब आ गए थे तभी देख लिया था। तो अब रामा? अब क्या, बस भोजन समाप्ति की प्रतीक्षा है। कैसा रहा भोजन मान्यवरों? बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया लाजवाब भोजन था, मजा आ गया। धन्यवाद। आओ भगत में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं, नहीं, नहीं। कोई त्रुटि, कोई शिकायत? पूर्णतया संतुष्टि तो हुई ना? भगवान आपके स्वर्गीय पिता की आत्मा को शांति प्रदान करे। अच्छा अब हम सब आपसे विदा लेते हैं। चलो भाई चलो, महल भी तो जाना है महाराज से मिलने। आप लोगों ने अपने अपने सोने के आम तो ले लिए हैं ना? महाराज आज एक एक सोने के आम के बदले एक एक दर्जन आम देने वाले। चलो चलो जल्दी चलो। अरे अरे रुके 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 बंधु, रुके। भोजन तो हो गया परंतु मेरे पिताजी की पुण्यतिथि की सभी औपचारिकताएं अभी कहाँ पूर्ण हुई है? अभी तो कुछ और भी बाकी है खिलाना आप सभी को। नहीं नहीं बंधुवर नहीं, अब तो लेश मात्र भी जगह नहीं बची पेट में। अरे अरे कोई बात नहीं बंधुवर, बात फिर भी बन जाएगी, जरा सा धैर्य रखकर मेरी बात तो सुनिए। आप सब मेरे स्वर्गीय पिताजी की पुण्यतिथि पर यहाँ पधारे, भोजन ग्रहण किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। आप सब पंडित गणों को ये तो ज्ञात होगा ही कि किसी की भी पुण्यतिथि तब तक संपूर्ण नहीं हो जाती जब तक दिवंगत आत्मा की अंतिम इच्छा की पूर्ति ना कर दी जाए। मैंने यथासंभव अपने स्वर्गीय पिताजी की सभी अंतिम इच्छाओं को पूर्ण तो कर दिया है परंतु अभी भी एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है, तो यदि आप थोड़ी देर रुक जाएं तो मैं वो इच्छा भी पूर्ण कर लूं, उसके बाद आप सभी प्रस्थान कर सकते हैं। अवश्य अवश्य, आप अपने पिता की इच्छा पूरी कीजिए, तब तक हम लोग यहीं रुकते हैं। क्यों वैसे आपके स्वर्गीय पिताजी की क्या इच्छा थी जो आप पूरा करना चाहते हैं? अभी बताता हूँ। कह रहा है ये नाला, कौन सी अंतिम इच्छा बाकी रहेगी? पता नहीं अम्मा, पर हमें तो किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। बिल्कुल, हम लोग पंडित तक कुछ ना कुछ पुरस्कार तो बनता है ना हम लोगों के लिए। मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि मैं उनकी पीठ पर 100 छड़ी मारूं। क्या कहने मान्यवर, नहीं मतलब क्या अर्थ है आपकी इस बात का? बड़ा ही सरल सा अर्थ है बंधुवर, जिस प्रकार आपने मेरे पिताजी की पसंद का भोजन खाया उसी प्रकार उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए इस छड़ी की 100-100 मार खाइए।
ये कोई बात हुई? ऐसा थोड़ी ना होता है। सौ सौ छड़ी की मार कौन खाएगा मला? आप खाएंगे मान्यवर। और आप तो महान पंडित राजगुरु श्री तथाचार्य के प्रिय शिष्य हैं, तो शुरुआत आप ही से करते हैं। क्या हो रहा है? अब तो इस भूत को फांसी होकर ही रहेगी। अरे कोई रोको इसे। सारी सीमाएं लांघ ले दुष्ट। हम जानते हैं जानबूझकर किया है तूने। षड्यंत्र है तेरा हमें अपमानित करने का, इन सब के सामने नीचा दिखाकर प्रतिशोध लेने का। ठीक नहीं किया तूने पंडित। इस अक्षम्य अपराध के लिए देवता तो तुझे दंड देंगे ही, लेकिन इस धरती पर भी तुझे क्षमा नहीं मिलेगी। तेरी इस नीच हरकत के लिए तुझे क्या दंड मिलना चाहिए, इसका निर्णय महाराज करेंगे। आज करेंगे, अभी करेंगे। ये हमारा अकेले का अपमान नहीं है, ये तुलवा कुल की मर्यादा, तुलवा कुल के संस्कारों का अपमान हुआ है। तुलवा कुल ने सदैव अपने प्राणों से भी अधिक हम पंडितों के सम्मान और मर्यादा की रक्षा की, और आज एक दंड पंडित ने तुलवा कुल के इतिहास को कलंकित किया है। इसे दंड दीजिए महाराज, और यदि इसे दंड नहीं दिया गया तो ये तुलवा कुल के गौरवशाली मस्तक पर एक ऐसा कलंक होगा जिसे तुलवा कुल की पीढ़ियां भी अपने प्रायश्चित से धो नहीं पाएंगी। इसे दंड दीजिए महाराज, ऐसा ऐतिहासिक दंड दीजिए जिसकी गूंज शताब्दियों तक इस महल के कोने कोने में गूंजती रहे। हमें न्याय दीजिए महाराज, न्याय दीजिए हमें। न्याय मिलेगा आचार्य वर, न्याय मिलेगा, अभी इसी समय मिलेगा। मंत्रीवर, महाराज, सिपाहियों की एक टुकड़ी भेजिए पंडित रामकृष्ण के घर, और अभी इसी समय उसे बंदी बनाकर यहां हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु रामकृष्ण इस समय घर पर तो नहीं मिलेंगे। कौन है ये दुष्ट? कौन है?
जिसने हमारे और महाराज के बीच में बोलने का दुस्साहस किया। अभी सामने आए। जी मैं यहाँ हूँ। करे महाराज, ये दुस्साहस मुझसे हुआ है। पंडित रामकृष्ण जी महाराज, ये मैं ही हूँ। आपके दरबार का निष्कासित विदूषक रामकृष्ण। ये किस प्रकार का परिहास है और ये घड़ा पहन के क्यों खड़े आप हमारे सामने? क्षमा करें महाराज, परंतु मैं तो आपके ही आदेश का पालन कर रहा हूँ। आपने ही कहा था कि आप मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। अब यहाँ दरबार में उपस्थित होना आवश्यक था, इसलिए ये युक्ति निकाली मैंने। ये देखिए महाराज, ये देखिए, इस निर्लज का स्वांग देखिए आप। हाय, इसे कोई पछतावा, कोई लज्जा, कोई गला नहीं, हास परिहास करके दरबार की छिल्ली उड़ा रही। पंडित रामकृष्ण, सबसे पहले तो आप ये घड़ा हटाई और हमारे सामने ठीक से उन्मुख हुई। जी महाराज। आचार्यवर और उनके पंडितों का आप पर आरोप है कि आपने उन्हें घर पर बुलाया और उन्हें अपमानित किया, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्षमा करें महाराज, अन्याय तो मेरे साथ हुआ है, न्याय तो मैं मांगने आया हूं आपसे। आरोप मेरा है राजपुरोहित और बाकी इन सब पंडितों पर कि इन्होंने छला है मुझे, सबने विश्वासघात किया है मेरे साथ। देखिए महाराज, उल्टा छोर कोतवाल को डांटे, अपमान हमारा हुआ और छल इनके साथ हो गया। पंडित रामकृष्ण, जो भी कहना है साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहिए। जी महाराज, मैं बताता हूँ क्या हुआ। हुआ यूं कि कुछ समय पहले एक लंबी बीमारी के कारण मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब मेरे पिताजी को ये लगता था कि उनकी ये बीमारी किसी दुष्कर्मों का परिणाम है, तो अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे अपनी अंतिम इच्छा बताई। अब ये सुनने वाली बात है महाराज, पिताजी चाहते थे कि मैं उनकी पीठ पर 100 बार छड़ी से मारूं। अब बात अवश्य अटपटी और अजीब है, परंतु पिताजी यही मानते थे कि ऐसा करने से उनके दुष्कर्मों का फल उन्हें मिल जाएगा और मृत्यु के पश्चात ईश्वर प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ग में स्थान दे देंगे। आप ही बताइए महाराज, एक पुत्र के अपने पिता पर हाथ उठा सकता है? मैंने ऐसा किया नहीं और पिताजी का देहांत हो गया, और मैं हमेशा इसी पश्चाताप में जलता रहा कि मैं अपने पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया। फिर मैंने एक युक्ति निकाली और पिताजी की पुण्यतिथि पर एक भोजन का कार्यक्रम रखा, जिसमें राजपुरोहित और बाकी पंडितों को आमंत्रित किया। मैंने इन्हें पिताजी की पसंद के स्वादिष्ट पकवान खिलाए, आदर सत्कार किया, हृदय से भोग लगाया महाराज। फिर मैंने इन्हें पिताजी की अंतिम इच्छा वाली बात भी कही और इन सब से 100-100 बार छड़ी की मार खाने को कहा। यह सुनकर आचार्य भी धकी गए, स्पष्ट रूप से मना कर दिया। और तो और, मुझ पर इन्हें अपमानित करने का आरोप भी लगाया। अब आप ही न्याय कीजिए महाराज,
कि एक पुत्र होने के नाते यदि मैंने अपने दिवंगत पिता की भटकती आत्मा को मोक्ष दिलाने का प्रयास किया तो कौन सा अपराध किया महाराज, कौन सा अपराध किया? होशियार महाराज, होशियार। ये चालाक पंडित आपको अपने शब्दों के जाल में फंसाने का कुप्रयास कर रहा है। हम पूछते हैं, हम पंडितों को मारकर इसके पिता की अंतिम इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? हो सकती है आचार्य। कैसे पूरी हो सकती है? अवश्य हो सकती है। कैसे हो सकती है? छड़ी की मार तो केवल तुम्हारे पिता खाना चाहते थे। तो आम भी तो केवल महाराज की स्वर्गीय माता जी खाना चाहती थी आचार्य। को आम बटवा कर स्वर्गीय राजमाता की अंतिम इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? और वो भी सोने के आम आचार्य, जिन्हें तो खाना भी संभव नहीं महाराज। महाराज मैं इतना धनी तो नहीं कि इन सब के लिए सोने की छड़ी बनवाऊं, इसलिए मैं तो एक साधारण छड़ी से काम चला रहा था। परंतु अब मेरा प्रश्न राजपुरोहित श्री तथाचार्य से ये है कि इनका विरोध किस बात पर है? छड़ी की मार खाने पर या छड़ी सोने की नहीं थी इस बात पर? क्योंकि यदि सोने के आम बांटने से स्वर्गीय राजमाता की अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है तो साधारण छड़ी की मार खाकर मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा क्यों पूरी नहीं हो सकती महाराज? हो गया काम। ए बंदू, वो मारा। बहुत अच्छे रामा, बहुत अच्छे। हमें जानकर अति प्रसन्नता हुई पंडित रामाकृष्ण, आपने एक आदर्श पुत्र की तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। एक पिता की दिवंगत आत्मा के लिए इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती? और आपकी इसी कर्तव्य प्रायणता ने हमें वो स्वप्न भी स्मरण करवा दिया जो कल रात्रि हमने देखा। जी हाँ महाराज, कल रात्रि हमने एक बहुत मंगल स्वप्न देखा। जानते हैं स्वप्न में हमें किसके दर्शन हुए? किसके आचार्य? स्वयं साक्षात आपकी स्वर्गीय माता जी की। कल रात्रि वो हमारे स्वप्न में पधारी और जो उन्होंने हमसे कहा उसे सुनकर हमारा मस्तक उनके और आपके सामने आदर से और भी झुक गया। क्या क्या कहा आचार्य वर हमारी माता जी ने? एक माँ को और क्या चाहिए, यही कि उसकी संतान उसके संस्कार उसके बाद स्मरण रखे, बड़ों का आदर करे, पंडितों पुरोहितों का सम्मान करे, अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करे, एक भद्र नीक और आदर्श संतान। और आपने महाराज, आपने वो संतान बनकर अपनी स्वर्गीय माता जी को दिखाया। ऐसा पुत्र पाकर आपकी स्वर्गीय माता जी को किसी और बात की कोई इच्छा नहीं रही, उनकी सब इच्छाएं पूरी हो गई और उनको तो बहुत पहले मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है महाराज। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि उनके नाम पर सोने के आम बंटवाने से अच्छा है कि उनके नाम पर उतने ही धन में निर्धन बच्चों के लिए विद्यालय बनवा दिए जाएं, निशुल्क चिकित्सालय बनवा दिए जाएं और बेघर और वृद्ध लोगों के लिए घर बनवा दिए जाएं। बस यही होगी आपकी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, और कुछ नहीं चाहिए उनको। पर महाराज, आपने हमारे जितने भी पंडितों को सोने के आम बंटवाए थे, हमने उन सभी पंडितों को बुलवा लिया है ताकि वो सोने के आम आपको वापस लौटा सके और इस अकारण ऋण से मुक्ति पा सके। अपने चक्कर में इस बुड्ढे ने गरीब का भी भोपू बचवा दिया।
देख लियो बनी, एक दिन इस बड़ोगो की गर्दन मेरे हाथ में होगी और इसकी गर्दन में ककड़ी की तरह तोड़ दूंगा। आओ पंडितों, अपना अपना सोने का काम वापस करो। महाराज, इन आमों को राजकोष में रखवा दिए जाए। जी महाराज। इन सोने के आमों का वैसा ही सदुपयोग होना चाहिए जैसा कि हमारी स्वर्गीय माता जी ने आचार्य के स्वप्न में आकर कहा था। महाराज, आचार्य तथाचार्य, अब तो हमारे विचार से आपको पंडित रामकृष्णा से किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रहा होगा। हम सब समझ गए हैं कि पंडित रामकृष्ण की मंशा आप सभी को अपमानित करने की, आप सबके साथ दुर्व्यवहार करने की नहीं थी। हम समझते हैं महाराज, हम अपना आरोप वापस लेते हैं। मैं भी अपना आरोप वापस लेता हूं महाराज, क्योंकि अब आपकी स्वर्गीय माता जी की बात सुनने के बाद जो उन्होंने आचार्य के स्वप्न में आकर कही, अब मैं भी संतुष्ट हो गया कि मेरे भी पिताजी की कोई अंतिम इच्छा शेष नहीं रही होगी, क्योंकि मैं भी यथासंभव सदैव वैसा ही बनने का प्रयास करता हूँ जैसा मेरे पिताजी चाहते थे। सुनकर अच्छा लगा पंडित रामकृष्ण। आज की सभा यही समाप्त होती है। कल दरबार में मिलते हैं विदुषक रामकृष्ण। कल से हमें हमारा विदुषक वापस दरबार में चाहिए। महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की। बधाई हो आचार्य, एक बार फिर आपका दांव लग ही गया। क्या मौके पर दिमाग चलाया आपने? नादान बालक, जितने तीर तू अपने तरकश में लिए फिरता है ना, उतने तीर तो ये तथाचार्य अपने खीसे में रखता है। तथाचार्य का एक नाखून तक उखाड़ने के लिए मुझे भी बहुत से चांद और सूरज देखने होंगे। कोई बात नहीं आचार्य, जरूरी तो नहीं कि कौवा जब भी चोंच मारे श्राद्ध का स्वादिष्ट भोजन ही उसके भाग्य में लिखा हो। कभी कभी बेचारे को कीड़ा भी खाना पड़ता है। बस कुछ दिन और प्रतीक्षा कीजिए, जिस दिन चोंच में कीड़ा फंसा उस दिन जय हो जय हो जय हो। तू भी प्रतीक्षा कर पंडित, जिस दिन हमारी बारी आई उस दिन तेरी जय हो जय हो जय हो। हमें तथाचार्य को कौवा कहता है। आप क्यों अपना रक्तचाप बढ़ा रहे हैं गुरुजी? उसने आपको कौवा थोड़ा ही कहा। वो बेचारा तो आपको कीड़ा कहकर गया है। हर जगह आम, आम ही आम, आम ही आम। वो दरबार में जो तूने आम वाला डाला हुआ दिया
उससे प्रसन्न होके माला जी इतने सारे आम मिठाई मिल लिए। मेरे रामा, मेरे पुत्र, मेरे सुपुत्र, मेरे सौरव, मेरे गौरव। पता था मुझे कि मेरा रामा सब कुछ ठीक कर देगा, स्वयं चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, पर समस्या का समाधान अच्छे से निकालना आता है इसे। अभी मैं शारदा से कह रही थी कि देखना एक दिन मेरा रामा इतिहास रचेगा। हाँ इतिहास रचेगा, वाह 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 वाह। और वो कौन था जो मुझे घर से बाहर निकाल रहा था? तब नहीं पता था कि मैं सब ठीक कर दूंगा? नहीं था, नहीं था। इनका मतलब है नहीं था, नहीं और था अलग अलग कह रही है। विश्वास नहीं होता तो फिर क्यों चबूतरे पे सोने देती? क्यों एक बिछौना, एक सिरहाना और मच्छर, मच्छर भगाने का लेप क्यों देती? हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या हुआ इनको? भावुक हो रही है। ऐसे भावुक हो रही है? ऐसी तो होती है। अच्छा बताओ तो सही, भावुक होकर कह क्या रही है? कह रही है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी को भी आम बहुत पसंद थे। आम आदमी थे ना, इसलिए आम से बहुत लगाव था उन्हें। सप्ताह में किसी भी आम दिन, किसी भी आम जगह आम लोगों के साथ बैठकर 3-4 आम तो आराम से खा जाते थे। एक ऐसी आम शाम में उनके प्राण हर लिए। अगर आज वो जीवित होते तो आम से कहते, अरे गर्व से कहते कि तुमने जो किया है वो कोई आम काम नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत आम लगी है, बहुत भूख लगी है। चलो रामा कृष्णा के साथ साथ महाराज ने हम सब के लिए आम भिजवा दिए। कितने दयालु हैं हमारे राजा जी। क्या सोच रहे हैं गुरुजी? श्री गणेश कीजिए ना। हम सोच रहे हैं ये एक आम सही रहेगा। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, आप केवल एक ही आम खाएंगे? नहीं, ये तुम दोनों के लिए है। और बाकी क्या आम गुरुजी? हम खाएंगे। तुम्हारा ये गुरु अपने शिष्यों के लिए घृणा का ये प्याला भी प्रसन्नता से पी जाएगा। हमारे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। किसी ज्ञानी ने कहा है अति अंत है और अंत एक नई परिणति का प्रारंभ है। अर्थात जब भी कोई वस्तु अपनी अपनी हद पार कर जाती है तो उसका अंत निश्चित होता है। अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। क्या हुआ? नहीं, अभी तक आपके प्रवचन में आम नहीं आए ना। ये आम प्रवचन नहीं है मेरे प्रिय शिष्यों। नहीं समझे? हम समझाते हैं। देखो यदि तुमने एक से अधिक आम का सेवन किया अर्थात पाचन क्रिया का अंत होना, पाचन क्रिया का अंत अर्थात अनेक रोगों का आक्रमण, रोग अर्थात मृत्यु और मृत्यु अर्थात अंत। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा ये गुरु जो शिष्य से दुनिया में किसी भी चीज से कई गुना अधिक प्रिय है, ये कुछ आमों के लिए उनका बलिदान होने देगा? कदापि नहीं। बलिदान तो हम देंगे ये आम खाकर, सारे आम हम खाएंगे। देखो कैसे सड़े हुए मुंह से हमारे हिस्से के आम खा रहे बुड्ढा। भुगतेगा। उठा। क्या उठा लूं? सामने पड़ा आम उठा लो और उठाकर खा लो। आखिर तुम्हारी मेहनत का ही तो फल है। नहीं नहीं बस बस बस, आज पेट बहुत भर गया है और आम खाकर मुझे बहुत नींद आती है और आज की रात मैं सोना नहीं चाहता। समझी? समझी, पर क्या ये समय ठीक रहेगा? क्यों, क्या हो गया समय को? नहीं रात बहुत हो गई है ना, ऐसे में हम उड़ी उड़ी धप्पा खेलेंगे तो अम्मा और गुंडप्पा क्या सोचेंगे? ए, उड़ी उड़ी धप्पा? हम उड़ी उड़ी धप्पा क्यों खेलेंगे शारदा?
बचपन में रात्रि भोजन के बाद आपको ओड़ी ओड़ी धप्पा खेलना अच्छा लगता था ना? हाँ तो वो तो बचपन की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं पता है ना? हाँ तो हम ओड़ी ओड़ी धप्पा क्यों खेलेंगे? हम वो खेलेंगे ना जो इस उम्र में खेला जाता है। हाँ मेरे कहने का अर्थ है कि हमारे प्रथम मिलन का शुभारंभ। तो क्या कहती हो, करें अधूरा कार्य संपूर्ण? सुना नहीं, आज मत सोना, पहले ही बहुत विलंब हो गया है, आज मत सोना। चिंता मत कर, अब हम नहीं सोएंगे, आप निश्चिंत हो जाइए, हम जल्दी से जाके सारा काम निपटा कर आते हैं। वापस क्यों रख दिया? खा ले, तेरे ही तो परिश्रम का फल है। हाँ, पर क्या रामा? पहले ही बहुत खा चुका हूँ, और खा लूंगा तो नींद आ जाएगी। अरे ये काम से क्या होता है, खा ले। पर बंधु। अरे खा ले ना। अच्छा केवल एक? हाँ केवल एक। सोचता है रामा, मन कर रहा है तो खा लेना, शारदा के आने में तो अभी समय है, खा ले।